हाय, PGT DSSSB इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है और आज ही वो क्लास अपलोड करी है, उसको भी देख लेना। और इस क्लास में MPTET कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि सारी जानकारी आपको MPTET से रिलेटेड दूंगा, लेकिन मेन आपको कॉमर्स के बारे में यहाँ पे बताने आया हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले उनको हम बता दें कि इस चैनल पे हम आपकी सारी तैयारी करवाते हैं, UPTGT PGT DSSSB जितने भी एग्जाम है कॉमर्स से रिलेटेड, जबकि हमारा नाम ही कॉमर्स माफिया है तो आप समझ सकते हो। और हमारी लाइव क्लासेस रोज होती हैं जिसमें हम MCQ सॉल्व कराते हैं पुराने पेपर्स का, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उसको आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट PDF जितनी भी चीजें हैं आपको वो मिलती रहेंगी। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में, और इसमें आपको सारी जानकारी देता हूँ MPTET कॉमर्स के बारे में। ठीक है, देखो जो लोग भी इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखना कि इसका सिलेबस एकदम KVS कॉमर्स की तरह है और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी KVS की तरह है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप MPTET भर रहे हो तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो KVS से मैच कर रही है, तो आपने KVS का भी फॉर्म भरा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको इसकी पेड क्लासेस लेनी है तो सिर्फ 3,000 की मिनिमम जो है फीस पे हम लेके आए हैं आपके लिए क्लासेस, जिसपे कई लोग एनरोल हो चुके हैं और हमने क्लासेस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। तो बहुत जल्द आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड, और वो पेड बैच के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लस जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है KVS वाली वैकेंसी के लिए, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारी पेड क्लासेस मिल जाएंगी। 3,000 का ये बैच है जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी करवाते हैं KVS और MPTET की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं, MPTET मध्य प्रदेश TET एक पात्रता परीक्षा है, जिसके अंदर जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 60% तक के मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो बाकी के हैं उनको उनको 50% तक के मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो पेपर को अगर इस पेपर के बारे में हम बात करें नॉर्मल नॉर्मल, तो नॉर्मल ये बात है कि इस पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगर हम बात करें इसमें आपके फॉर्म कितने रुपए का भरा जाएगा, तो आपको बता दूं जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 660 रुपये का फॉर्म है, और जो भी अदर कैटेगरी है उनके लिए 360 रुपये का फॉर्म है ये। ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है इसमें, तो शैक्षिक अर्हता के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री इसमें जरूरी है, जैसा कि KVS में जरूरी थी। ठीक है, सेम टू सेम वही पैटर्न है KVS वाला, और इसमें भी आपकी PG की डिग्री यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए BEd, ये आपकी जरूरी ही जरूरी है। अब मास्टर्स में आपके कितने नंबर मार्क्स होने चाहिए, सेकेंड डिवीजन से अगर आप मास्टर्स की डिग्री को पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड डिवीजन तक आपके मास्टर्स में मार्क होने ही होने चाहिए और BEd की डिग्री आपकी पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो पेपर पैटर्न आप समझ के चलो कि 150 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की इसमें होगी, मतलब चार गलत करते हो तो एक नंबर गलत, और आपको 60% लाने हैं ये तो पता ही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं इसके ना दो पेपर बनने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट टू। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के बारे में आपको बता दें। पार्ट ए में आपका क्या आएगा, आपका इंग्लिश आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का जहां तक है कॉम्प्रिहेंशन आपसे इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो 8 नंबर की आपकी आने वाली है क्या हिंदी, मैं देख के पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस बात जो है बड़ा अजीबोगरीब खेल रखा है। 7 नंबर की आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों मिला के क्वेश्चन जो है 7 नंबर के आएंगे, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें पेडागॉजी की, तो वो आपकी 10 नंबर की आएगी। पेडागॉजी की एक क्लास हमने फ्री में अपलोड करी है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की, उसको भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में और हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की, ये आपका 30 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन, जो भी आपके जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपके 120 नंबर के होने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं
कॉमर्स की, और कि 120 नंबर का होने वाला है। देखो इसमें ना जो बेसिक क्लासेस है, अगर आपको पेड बैच नहीं खरीदना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी। लगभग 60-70% तो मैंने फ्री में आपको दे रखा है सिलेबस, और वो क्या है देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये जो भी आपको पहला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी बिजनेस स्टडीज वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, जितनी भी चीजें यहां लिखी हैं सब आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक करना। बिजनेस सर्विसेज प्लेलिस्ट में चेक करना, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जब मैं पढ़ाता हूँ ना मैं डेफिनेशन बताता हूँ, मैं उसके ये बताता हूँ क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, ये किसने बोला है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना पढ़ाई और एग्ज़ाम में आ जाए, इसकी तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 95% क्वेश्चन वही आएंगे जो हमने पढ़ा के भेजे। चाहे हो तो आप RPSC का सिलेबस उठा के देख लेना, RPSC का पेपर उठा के देख लेना, और हमारी क्लासेस उठा के देख लेना, 95% हमारा पढ़ाया हुआ आता है, ठीक है। अगला देखो ट्रेड, ट्रेड जो है WTO, UNCTAD, आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें तो GDR, ADR, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पढ़ा रखी हैं, और हमने लाइव क्लासेस ले रखी हैं जिसमें लाइव क्लास में आप लोग रोज़ ज्वाइन हुआ करिए, उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं, ये सबके लिए फ्री में है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, उसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 100 से ज़्यादा क्लासेज हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा ऐसी क्लासेज हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रखे हैं इन सबसे रिलेटेड, तो वो ज़रूर देखिएगा। अगला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एथिक्स, इसकी हमने लाइव क्लास में एक क्लास करा रखी है, वो देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा वहीं से कवर हो जाएगा, उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट जो भी आपका हेनरी फायोल हैं, FW टेलर हैं, LXF ऑसबॉर्न हैं, इन सब की थ्योरी, और जितने भी लोग हैं, पार्कर हैं, फोलेट हैं, इन सब की चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी हमारी फ्री क्लासेस में, आप चाहो तो पेड बैच वाला लोगे, लेकिन पेड बैच आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ा रखा है, जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, POSG, COR, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। इसमें से कई चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं हमने, प्लानिंग पढ़ा रखा है लेकिन प्लानिंग के आगे हमने नहीं पढ़ाया, उसकी क्लासेस भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस ये हमने पढ़ा रखा है, चेक कर लेना, हमारी क्लास में है पूरा। फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी मार्केट, ऑक्टाए और आपका सेबी, NSEI, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ा रखी वो हम अपने पेड बैचेस में कवर करते हैं। मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अकाउंटेंसी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी फ्री क्लासेस में पढ़ा रखी हैं, ये तो आप देख ही लेना। अगला अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ये जो भी आपका वाउचर, ट्रांजैक्शन, स्पेशल बुक, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। कुछ क्लासेस अभी नहीं आई हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास आनी है, बाकी NPO, फाइनल अकाउंट, ये सब हमने पढ़ाया है, ये सब देख लेना, बेसिक से एंड तक आपका सब क्लियर हो जाएगा। रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी हमारे पास। अगला देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा रखी हैं, वो भी हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, और पेड बैचेस में तो सारी चीज़ें आपको तुरंत मिली जाती हैं। अगला देखिए क्या है, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जो कि सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी हमने आपको पढ़ा रखा है, पहला चैप्टर तो कम से कम पढ़ा रखा है, अभी उसका सेकेंड पार्ट हमने नहीं बनाया है, ठीक है, हालांकि आपको पेड क्लासेस में तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। अब हम बात करते हैं आपके फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की, अब हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग की, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ा रखी हैं। अब पेड बैचेस में हम क्या पढ़ाते हैं, आप देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनीज इन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम DBMS बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने नहीं पढ़ा रखी हैं, ये आपको पेड बैचेस में ही मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, प्रबंधकीय अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा हमारा पेड बैचेस में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है किसका, ये आपका सिलेबस होने वाला है कॉमर्स का।
तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए और हमारी क्लासेस को लीजिए, ठीक है। हमारी क्लासेस जो हैं इस के रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगी, कुछ फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगी। जो लोग क्लासेस नहीं खरीदना चाहते हैं उसके लिए हम सॉल्व पेपर भी लेके आए हैं, और हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्पेसिफिक क्लासेस लेनी है ऑनलाइन तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो नंबर आपको ये सारे दिए जा रहे हैं ऊपर और जो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप इसी के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरिए, इस वैकेंसी को भरिए, और अगले साल 2023 में एक बहुत बढ़िया आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।